यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना की तुल जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, एक वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की एकता और अखंडता के आधार हैं, उसके शिल्पी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आजाद भारत को एक भारत के रूप में रखने, अखंड भारत के रूप में वर्तमान भारत को रखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्हें पूरा देश लोह पुरुष के रूप में मानता है। लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। यह तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो अब महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका यह वक्तव्य इसलिए आया है क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही है। वे चाहते ही नहीं थे किसी गरीब को मकान मिले, किसी गरीब को शौचालय मिले, किसी गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, किसी गरीब को बिजली का कनेक्शन मिले, किसी गरीब को 5 लाख रुपए की सहायता स्वास्थ्य के लिए बीमा कवर मिले। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान ये सभी नेता कोरोना के दौरान सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ये सभी लोग कोरोना के दौरान होम आइसोलेशन में थे, घर से बाहर नहीं निकले थे। गरीब जनता के पास जाने की बात तो दूर, अपने स्वयं के पदाधिकारियों के घर में भी नहीं गए। और जब उनके नेता स्वयं होम आइसोलेशन में थे तो उनके पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता भी होम आइसोलेशन में पड़े हुए थे। भाइयों बहनों, ये होम आइसोलेशन में पड़े हुए इन राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनाव के दौरान भी होम आइसोलेशन में जरूर भेजना, क्योंकि जो आपकी संवेदना के साथ खड़े नहीं हो सकते, आपके सुख में आपके साथ आपको बधाई नहीं दे सकते और आपके दुख के साथ आपके साथ अपनी संवेदना नहीं तोड़ सकते, तो फिर वे इसी प्रकार से गरीब को, वंचित को, दलित को, अति पिछड़े को, समाज के उस हर एक तबके को, वो किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब का क्यों ना हो, उसकी पीड़ा के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। और ये होंगे भी कैसे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति तो हमेशा गरीबों की संपत्ति को और व्यापारियों की संपत्ति को हड़पने की रही है। इनको पीड़ा इस बात के लिए नहीं होती थी कि किसी गरीब की संपत्ति को कोई माफिया कैसे हड़प रहा है। इनको पीड़ा तब होती है जब प्रदेश सरकार
किसी माफिया के द्वारा हड़पी गई जमीन पर बुलडोजर चलाने का कार्य करती है तब इन नेताओं को बुरा लगता है। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करना प्रारंभ किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।